दोस्तों, भारत की गुलामी की शुरुआत 1600 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी, जिसमें डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज सभी ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। परंतु केवल ब्रिटिश राज ही संपूर्ण भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूटा था। अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मार के भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया क्यों। तो बने रहिए डीडीप के साथ, और साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के लिए प्रभावी हथियार का इस्तेमाल भी किया। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था, तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखा था। लेकिन अंग्रेजों ने धोखा और छल से हमारे देश के राजाओं से रियासतें छीन ली। अंग्रेजों के पास काफी ज्यादा कूटनीति थी। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, लेकिन वे राजा भी अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अंग्रेजों के पास उस समय भी अत्याधुनिक हथियार थे जैसे बंदूक और टैंक, जिससे अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को मार गिराया और उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने एक एक कर सभी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया और अंत में भारत को बना दिया गुलाम। लेकिन अब भी आपके जवाब अधूरे हैं, आखिर भारत को गुलाम बनाया क्यों गया? तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों के मुख्य रूप में हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। साथ ही इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी से बने पदार्थ आदि के निर्यात किया करता था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। भारत में एक मयूर सिंहासन भी था। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने में जितना धन लगाया गया था, उतने धन में तो 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। आज के जमाने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। भारत का कोहिनूर हीरा, जो आज ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है, इस कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत उस समय सोने की चिड़िया था और आज भी है, और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। दोस्तों, आज हमारा भारत कैसा है, आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद।